कोरोना महामारी के चलते पूर्ण विश्व पिछले दो माह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण सभी तरह के व्यापार पर भारी असर पड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के मिठाई बाजार की। दुकानदारों की माने तो इस बार शादियां सभी निरस्त होने और लॉकडाउन के कारण व्यापार पूर्ण रूप से ठप हो गया है। दुकानदार मांग अनुसार कुछ ही तरह की मिठाइयां बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते घोषित हुए लॉकडाउन के बाद ग्रीन एवं ऑरेंज जोन के इलाकों को राहत देते हुए सरकार ने दुकानें खोलने की अनुमति जरूर दी, लेकिन 45 दिन के लंबे अंतराल के बाद खुली दुकानों पर ग्राहक फटकने का नाम नहीं ले रहे। बाड़मेर के बाजारों में मंदी का दौर जारी है। शनिवार को DCN लाइव की टीम ने बाड़मेर के मिष्ठान व्यापार की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बाजारों तक पहुंची, जहां सामने आया कि मिष्ठान व्यापारी अपनी मिठाई की दुकानें जरूर खोले हुए हैं, लेकिन बिक्री के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मिष्ठान व्यापारी का कहना है कि मिष्ठान व्यापार भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है। दोपहर 12 बजे दुकान खोलते हैं, लेकिन शाम 6 बजे तक इक्के दुक्के ग्राहक मिठाइयों और नमकीन के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार मिठाई की खरीद में भी 80% की भारी गिरावट आई है। व्यापारियों के अनुसार बाड़मेर में प्रवासियों के आगमन के पश्चात कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कभी भी बाड़मेर शहर को कर्फ्यू के हालात बन सकते हैं। ऐसे में मिठाई के स्टॉक को कम कर दिया गया है और औसतन बिक्री के आधार पर ही प्रतिदिन मिठाई तैयार की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान तो बंद थी दुकान, लॉकडाउन के बाद जो मिठाई की दुकान को परमिशन मिला, उसके बाद ग्राहकी ये समझिए 20% की ग्राहकी नहीं है, इसलिए हम भी मात्रा मिठाइयाँ की जो बहुत ही सीमित मात्रा में बना रहे हैं, जो रोज डेली की डेली निकल जाए और बहुत ही कम आइटम बन रहे हैं। शादी ब्याह की सीजन नहीं है, भीड़ भाड़ बाजार, आना जाना बंद है, तो आम दिनों की तुलना में अभी सेल क्या रहते हैं? सेल आम दिनों की तुलना में 20% से भी कम ही है, और इसके बाद बाड़मेर में और पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसमें जो मार्केट का सेल फेल है वो भी थोड़ा थोड़ा सीमित हो रहा है और कम हो रहा है। लोग क्वालिटी पसंद करते थे और क्वालिटी आप काफ़ी मैनेज करते थे, अब कितनी क्वालिटी मैनेज कर पाते हैं? अब जो हमारे पास क्वालिटी है, मतलब जितनी आइटम बनते थे उससे करीब 25% आइटम ही हम बना रहे हैं, और जो भी मतलब बिल्कुल जो है जरूरी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा लोगों की इच्छा रहती है वही आइटम। तो ये तो मीठे की बात करें, इसके अलावा नमकीन में क्या? नमकीन में हमने गर्म आइटम अभी बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो दुकान पर खाना अभी बना भी है, तो इसलिए हमने वो बंद रखे हैं। नमकीन में केवल ये जो सूखी नमकीन है जो कि अपने घर पे ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा मिठाई के धंधे में, प्लस टाइम ये भी रखा है गवर्नमेंट ने 12 से 6, पब्लिक इतनी गर्मी में आना भी पसंद नहीं करती है। कितना फर्क पड़ गया पहले सेल क्या रहती थी? आप 70 से 80% फर्क पड़ गया मार्केट में। और आइटम की बात करें तो अलग अलग क्वालिटी बना दे आइटम के हिसाब से बना के रखते हैं, क्या भरोसा कि लॉकडाउन बढ़ जाए कभी बढ़ जाए, कोई फिक्स नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आइटम उतना बनता है। तो ये मिठाई के अलावा नमकीन जो ओनली फॉर कचौरी बना तो उस पर भी 70 से 80% फ़र्क बना है, क्योंकि पहले लोग अंदर बैठ के खाते थे, अब होम पैकिंग है, पैकिंग फैसिलिटी के लोग खाना पसंद नहीं करते हैं और प्रशासन के नियमों का पालन भी करना पड़ता है। गौरतलब है कि बाड़मेर जिले में ऑरेंज जोन में होने से पिछले हफ्ते भर से बाड़मेर के बाजारों में समस्त प्रतिष्ठान खुले नजर आ रहे हैं, लेकिन हर वर्ग के व्यापारी इन दिनों भीषण मंदी की मार झेल रहे हैं। बाजार खुला है इसलिए दुकानों पर आते जरूर है, लेकिन ग्राहकी और बिक्री के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। वहीं बाड़मेर शहर कब गांधीनगर से आए 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने भी बाड़मेर के व्यापारियों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में बाजार को कब बंद हो जाए, यह लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।